नौकरी पर लगने के लिए सरकारी दस्तावेजों में की गई गड़बड़ी। जिस शख्स को संतान ही नहीं, उसके रेशन कार्ड पर फर्जी तरीके से चढ़ाए गए 4 लोगों के नाम फर्जी दस्तावेज बनाकर चंद्रपुर के महाराष्ट्र राज्य पावर जनरेशन कंपनी यानी कि महाजेनको में नौकरी करने का मामला आया सामने। जानकारी के बाद जिला पुलिस अधीक्षक से की गई जल्द कार्रवाई की मांग। क्या है पूरा मामला, देखिए हमारे इस खबर में। नमस्कार दोस्तों, चंद्रपुर के महाराष्ट्र राज्य पावर जनरेशन कंपनी पर फर्जी दस्तावेज जोड़कर नौकरी देने के काफी आरोप लग चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि इस कंपनी में काम ना करते हुए भी फर्जी मजदूर दिखाकर उनके नाम पर पैसे गबन करने के भी गंभीर आरोप लग चुके हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया है जिसमें सबूतों के साथ फर्जी दस्तावेज जोड़कर किस तरह से यहां नौकरी मिल सकती है, जिसकी पूरी पोलखोल हो चुकी है। चंद्रपुर जिले के भद्रावती में आने वाले गुड़गांव निवासी दादाजी लक्ष्मण कातकर नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनकी पत्नी अभी भी जिंदा है। जिनकी एक जमीन थी जिसे CSTPS यानी चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन ने इराई डैम के लिए सुनिश्चित की थी, जिसकी बदौलत CSTPS में नौकरी की एक सीट पक्की हो गई थी। आपको बता दें कि दादाजी लक्ष्मण कातकर नामक बुजुर्ग व्यक्ति को एक भी संतान नहीं है और ना ही उस व्यक्ति ने कभी किसी को गोद लिया है। बावजूद इसके दादाजी लक्ष्मण कातकर के पुत्र बहू और पोता अचानक से पैदा हो गए, जिसकी फर्जी दस्तावेज भी बनाए गए। दादाजी लक्ष्मण कातकर के रेशन कार्ड पर इन सभी 4 लोगों के नाम चढ़ाए गए और उसी बलबूते CSTPS यानी महाजनको में नौकरी हत्याई गई, जिसके पीछे काफी बड़ा स्कैम और रैकेट होने की आशंका जताई जा रही है। हाँ, अमोल कातकर जो है हा बोगस दस्तावेज तैयार करून नौकरी लागले आहे हे त्यांनी आपल्या वडिलाला नौकरी असताना 20,000 उत्पन्न दाखवलेलं आहे। जे माझे मामा आहेत दादाजी कातकर यांना कुठलंही मुलाबाळ नसताना त्यांना मुलगा दाखवला आहे, शकुंतलाबाई यांना मुलगी दाखवलेली आहे आणि स्वतः तो अमोल कातकर नातू दाखवलेले आहे। अशा प्रकारे 100 ते 150 मुलं त्या थर्मल पॉवर स्टेशन येथे बोगस नोकऱ्या करत आहेत। ज्यांच्या जमिनी गेली आहे 52 गावाच्या त्यांना नोकरी मिळाली नाही आणि असे बोगस लोक नोकरी करत असल्यामुळे त्यांच्या तात्काळ FIR रजिस्टर करण्याची मागणी मी माननीय जिल्हा पोलीस। चंद्रपूर जिल्हे के भद्रावती में आने वाले गुड़गांव निवासी दादाजी लक्ष्मण कातकर नामक एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनकी पत्नी अभी भी जिंदा है। जिनकी एक जमीन थी जिसे CSTPS यानी चंद्रपुर सुपर थर्मल पावर स्टेशन ने इराई डैम के लिए सुनिश्चित की थी, जिसकी बदौलत CSTPS में नौकरी की एक सीट पक्की हो गई थी। आपको बता दें कि दादाजी लक्ष्मण कातकर नामक बुजुर्ग व्यक्ति को एक भी संतान नहीं है और ना ही उस व्यक्ति ने कभी किसी को गोद लिया है। बावजूद इसके दादाजी लक्ष्मण कातकर के पुत्र बहू और पोता अचानक से पैदा हो गए, जिसकी फर्जी दस्तावेज भी बनाए गए। दादाजी लक्ष्मण कातकर के रेशन कार्ड पर इन सभी 4 लोगों के नाम चढ़ाए गए और उसी बलबूते CSTPS यानी महाजनको में नौकरी हत्याई गई, जिसके पीछे काफी बड़ा स्कैम और रैकेट होने की आशंका जताई जा रही है। कल बुधवार को यानी 31 जुलाई को लिए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस में विनोद खोबरागड़े ने इस पूरे मामले की हकीकत बयां की, जिसमें उन्होंने जानकारी दी कि वे खुद इस मामले में पीड़ित है। दादाजी लक्ष्मण कातकर ये विनोद खोबरागड़े के मामा जी है। विनोद खोबरागड़े ने खुद ये जानकारी दी कि दादाजी कातकर को कोई भी संतान नहीं है। ऐसे में सवाल उठता है, जब दादाजी कातकर को कोई भी संतान नहीं है, ऐसे में उनके रेशन कार्ड पर अन्य 4 लोगों के नाम आखिर चढ़ाए कैसे गए? जिस तरह से रेशन कार्ड पर दादाजी कातकर का बेटा बहू और पोता पैदा हो चुका है, जिसकी बदौलत आज वो फर्जी दस्तावेज को जोड़कर महाजनको में नौकरी कर रहे हैं। इससे चंद्रपुर में फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाकर उन्हें नौकरी पर लगाने का एक बड़ा रैकेट चलाया जा रहा होगा, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। विनोद खोबरागड़े की माने तो उन्होंने इस पूरे मामले पर जल्द FIR दाखिल कर कार्रवाई की मांग की है। इस मामले में निस्वार्थ जांच हुई तो रेशन कार्ड में नाम समाविष्ट करने वाले तहसीलदार से लेकर अन्य अधिकारी भी सलाखों के पीछे नजर आ सकते हैं। इसी तरह के फर्जी दस्तावेज बनाकर वेस्टर्न कोलफील्ड यानी कि WCL के चंद्रपुर बल्लारशाह वनी में भी कई लोग ऐसे है जो नौकरी कर रहे हैं, जिस पर भी जल्द हम खुलासा करेंगे। आप देखते रहिए VL 24 न्यूज़।